गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम सीखने जा रहे हैं शॉर्टकट ऑफ स्क्वेयर। जिस वैल्यू के पीछे 5 लगा होता है उसका स्क्वेयर रेट जल्दी कैसे निकालें, आज हम वो सीखेंगे। देखो, जिस वैल्यू के पीछे 5 लगा है, सबसे पहले आपने उसका स्क्वेयर करना है। उसका स्क्वेयर करता है 25। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये वैल्यू है उसको नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 के नेक्स्ट क्या होता है 2, तो 2 वन जा 2, तो 15 का स्क्वेयर क्या हो गया 225। अब जैसे 5 का स्क्वेयर क्या होता है 25, अब इसको अपने नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 3 2 जा 6, तो 25 का स्क्वेयर क्या हो गया 625। सेम एज इट इज 25 और इसको अपने नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 जा 12, तो 35 का स्क्वेयर क्या हो गया 1225। सेम एज इट इज 5 का स्क्वेयर 25, नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 20, तो 45 का स्क्वेयर 2025। सेम एज इट इज 25 और 42, सेम एज इट इज 5 का स्क्वेयर क्या होता है 25 और इसको नेक्स्ट वैल्यू से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई। तो ये सेम एज इट इज 5 का स्क्वेयर होता है 25, 9 को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो 90 आ जाएगा, तो 95 का स्क्वेयर क्या होगा 9025। अब अगेन 115 का स्क्वेयर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 11 को नेक्स्ट टर्म 12 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 132, तो 115 का स्क्वायर हो गया 13225। आई होप जिन वैल्यू के पीछे 5, जो वैल्यू 5 से एंड होती है उसका स्क्वायर आप सीख चुके होंगे। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे अच्छी वीडियो में आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू।